स्टूडेंट्स टुडे विल सॉल्व द एग्जामिनेशन पेपर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी बीकॉम पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2021 राजस्थान यूनिवर्सिटी। इसके चारों यूनिट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे विल डिस्कस यूनिट फिफ्थ, जिसमें हमें फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है। द फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन टू यू, ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, बीईपी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द प्रॉफिट ऑफ 2,000। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए आपको 2019 और 20 में प्रॉफिट कितना गिवन है, 20,000 का, और 18 और 19 में आपको लॉस गिवन है 10,000 का। तो जो चेंज हुआ उसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट आ जाएगा आपका 20,000 माइनस, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस 10,000। क्यों? क्योंकि आपको पिछले साल में लॉस हुआ है, तो करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर का लॉस। और इधर भी चेंज आ जाएगा, करंट ईयर की सेल्स आ जाएगी, डेट इज 2,50,000 माइनस प्रीवियस ईयर का 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसको करेंगे आप सॉल्व तो ये प्लस हो जाएगा, डेट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, डेट इज 20%। तो ये आ गया आपका पीवी रेशियो। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। बीईपी के कैलकुलेशन के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमें सेल्स और प्रॉफिट गिवन है, पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम फॉर्मूले में अप्लाई कर लेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, इसको आप कैलकुलेट करके माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की। सेल्स है आपकी 2,50,000 करंट ईयर की, मल्टीप्लाई बाय 20% पीवी रेशियो कैलकुलेट हुआ है, माइनस करंट ईयर का प्रॉफिट है आपका 20,000, तो आ गया आपका 30,000, डेट इज फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपकी 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डेट इज 20%, वैल्यू आ गई आपकी 1,50,000, डेट इज ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर। अब आपने पीछे फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की थी, इधर आपको कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पीवी रेशियो। अलग अलग सालों की हम निकाल रहे हैं, 18 और 19 की सेल्स आपको गिवन है 1,00,000 और 19 और 20 की गिवन है 2,50,000। सेल्स लिख दिया मल्टीप्लाई बाय, डेट इज 1 माइनस पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट हुआ है 20%, 1 माइनस 20% कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 80,000 और इधर आ गई 2,00,000। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। इसमें आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में कि आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए, तब आप अपनी सेल्स कितनी रखेंगे। तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डिजायर्ड प्रॉफिट जो आप चाहते हैं, प्रॉफिट कितना है 40,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आपने पहले कैलकुलेट किए वो हमेशा सेम रहेगी, डैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डैट इज 20%। तो इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई आपकी 3,50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी हमारा फॉर्मूला है, डेट इज डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 2,000 चाह रहे हैं आप इस टाइम पे, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हो गया 20%, वैल्यू आ गई 10,000। डैट मीन्स आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,000 प्रॉफिट होने पर कितना होगा, 10,000।